23 साल का एक ऐसा ठग जिसे पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। इंजीनियरिंग की सबसे कठिन परीक्षा पास कर बन गया साइबर ठग। दिमाग ऐसा है कि पुलिस हथकड़ी लेकर घूमती रही और वो पुलिस के करीब से ही करता रहा ठगी। जेईई मेंस जैसी कठिन परीक्षा पास कर नहीं लिया एडमिशन, बन गया साइबर ठग। अगर किसी ब्रिलियंट छात्र का दिमाग प्रगति की ओर हो तो वो विकास की नई गाथा लिख डालता है, और अगर विनाश की तरफ हो तो घर परिवार और खुद का सर्वनाश कर देता है। आज कहानी ऐसे ही एक ब्रिलियंट छात्र की जिसने जेईई मेंस जैसे कठिन परीक्षा पास कर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की बजाय साइबर ठग बनने का फैसला किया और महज कुछ दिनों में करोड़ों की ठगी कर साइबर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दिमाग से तेज तर्रार होने की वजह से वो पुलिस के करीब से टक से पुलिस को छू कर वापस आ जाता, पर पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती। पर वो जानता नहीं था कि हर अपराध की एक डेडलाइन होती है, लिहाजा इस तेज तर्रार साइबर अपराधी के भी अपराध की डेडलाइन करीब आ चुकी थी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये कहानी है बिहार के पटना की और ये तस्वीर आकाश की है। आकाश ने पिछले साल ही अपनी पढ़ाई के दम पर जेईई मेंस क्वालिफाइड कर लिया था, पर इसने किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। इसे तो बिना इंजीनियरिंग बने ही करोड़ों कमाने का चस्का लग चुका था। आकाश पटना में एक शानदार फ्लैट लेकर रहता था और उसके रहन सहन को देखकर उसके घर वाले उसे इंजीनियर समझते थे। यह घर से लेकर अपने दोस्तों तक को एक फर्जी कंपनी का खुद को डायरेक्टर बताता और कहता कि इसे लाखों की सैलरी कंपनी देती है। पर किसी को क्या पता है कि ये जेईई मेंस में क्वालिफाइड करने के बाद भी इंजीनियर बनने के बजाय साइबर क्रिमिनल बन चुका है, जो लोगों को फर्जी कंपनी के एजेंसी दिलाने के नाम पर लाखों की उगाही कर रहा था। इसने अपना एक गिरोह भी बनाया था। इसके गिरोह में दर्जनों लड़कियां भी थीं जो लोगों को कॉल सेंटर से कॉल कर कंपनी का एजेंसी दिलाने और नौकरी दिलाने का लालच दिया करती थीं। आकाश का ये खेल अधिक दिनों तक नहीं चल पाया और वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को उसके फ्लैट से लाखों रुपए के मूल्य के हीरे के हार, हीरे की अंगूठी और हीरे के ईयर रिंग्स के साथ 33 लाख रुपए कैश बरामद हुई। पुलिस ने साइबर ठग को दबोच लिया और उसे थाने लाकर पूछताछ में जुट गई। पूछताछ के दौरान पुलिस हैरत में पड़ गई कि जेईई मेंस क्वालिफाइड कर चुके इस लड़के ने इंजीनियर बनने के बजाय साइबर अपराधी बनने का फैसला लिया और एक बड़ा साइबर क्रिमिनल बन गया। पुलिस के पूछताछ में आकाश ने पहले पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, पर पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और साइबर ठगी के एक एक राज उगलने लगा। ऑनलाइन क्योंकि यह टेक्निकली काफ़ी स्टार्ट हो गया था, तो उसके माध्यम से ऑनलाइन लोगों से जैसे किसी डीलरशिप के नाम पे या कई अन्य जो भी ऑनलाइन के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से किसी का लालच दे के कि मैं किसी फेक कंपनियों का जैसे एक आईडी अपनी बना के उसके माध्यम से यह क्या करता था कि उनसे एनओसी के नाम पे या उनको डीलरशिप देने का या लाइसेंस देने के नाम पे उनसे ठगी का कार्य करता था। पुलिसिया जांच में ये बातें सामने आईं कि आकाश नालंदा के कटारी सराय इलाके का रहने वाला है और पटना में रहकर गिरोह बनाकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक इसने अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।